अपनी मनपसंद फिल्में देखने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा मूवी पार्लर, बेल आइकॉन को दबाएं।
भी सो जाएगा, भूख रह जाएगा, और भूखा नेशन कभी रहने को नहीं सकता। यू आर राइट प्रोफेसर, सबसे पहले इस गैस को हम हिंदुस्तान पर स्प्रे करेंगे और उसे अपने पक्ष में लेंगे। आज मुझे अपनी कामयाबी पर बहुत नाराज है। प्रोफेसर, इस गैस को लार्ज स्केल में तैयार कराने में कितने दिन लगे? सिर्फ 30 दिन। प्लांट का ब्लूप्रिंट बिल्कुल तैयार है। ठीक, तो हम इस गैस को अपनी निगरानी में तैयार कराएंगे। वेरी गुड। और इसकी जगह होगी कूटी आइलैंड। दुश्मन हमारे देश को तबाह करने वाली खतरनाक किस्म की गैस को बनाने में कामयाब हो गया है, और ठीक 30 दिनों के बाद हमारे देश भारतवर्ष पर दुश्मन वो गैस स्प्रे कर देगा। हेलो हेलो, अंजाम बहुत खतरनाक होगा। मैंने दुश्मन के तमाम ग्रुप की तस्वीरें खींच ली। शाबाश कुंदन, दुश्मन के खतरनाक प्लान का पता लगा के तुमने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अब जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर वापस आ जाओ। यस चीफ, मैं अभी बॉर्डर क्रॉस करने वाला, मगर ये दुश्मन के कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं। डोंट वरी चीफ, मैं अपनी से छुटकारा पाता हूँ। आई विल मेक इट। इसका मतलब तो ये हुआ कि कुंदन भी, और क्या हो सकता है। लेकिन अफसोस तो ये है कि वो हमारा छठा स्पाई था। तो फौरन सातवां भेज दिया जाए, वक्त बहुत कम है। आदमी नहीं थी चालक और दिलेर होना चाहिए। ऐसा आदमी तो सिर्फ एजेंट 707 है, हमारा टॉप स्पाई। लेकिन डरता हूँ कि अगर उसे भी कुछ हो गया तो क्या होगा। अपना देश सलामत रहेगा तो ऐसे हजारों स्पाई पैदा हो जाएंगे चीफ साहब। जानता हूँ, मैं तो आपकी वतन परस्ती की जाँच कर रहा था, लेकिन अब ये जानकर इत्मीनान हो गया कि हमारे दिलों में देशभक्ति की आग बुझी नहीं, जल रही है। हम दुश्मन का मुंह काला करके रहेंगे। कॉल एजेंट 707 प्लीज। व्हाट? एजेंट 707? यस, कॉल इंस्पेक्टर राजेश, वो जहां भी हो फौरन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करें। हाय हाय, हे
किसी की पतली कमर लचकती, किसी का मुखड़ा गुलाब जैसे, कोई बताए ओ, कोई बताए कि ऐसी हालत में दिल पे काबू रहे तो कैसे। किसी की पतली कमर लचकती, किसी का मुखड़ा गुलाब जैसे, कोई बताए ओ, कोई बताए कि ऐसी हालत में दिल पे काबू रहे तो कैसे। खुदा बचाए अजीब सा है शबाब का ये हसी जमाना, खुदा बचाए अजीब सा है शबाब का ये हसी जमाना, कदम कदम पर नई कहानी, कदम कदम पर नया फसाना। किसी की पतली कमर लचकती, किसी का मुखड़ा गुलाब जैसे, कोई बताए ओ, कोई बताए कि ऐसी हालत में दिल पे काबू रहे तो कैसे। ये गोरी गोरी तुम्हारी बाहें मचल रही हैं कुछ इस तरह से, ओ, ये गोरी गोरी तुम्हारी बाहें मचल रही हैं कुछ इस तरह से, नजर को धोखा ये हो रहा है, लगी है पानी में आग जैसे। किसी की पतली कमर लचकती, किसी का मुखड़ा गुलाब जैसे, कोई बताए ओ, कोई बताए कि ऐसी हालत में दिल पे काबू रहे दो गैसे। खुली ये तुम्हारी जुल्फें जरूर सावन की बदलियां हैं, ओ खुली खुली ये तुम्हारी जुल्फें जरूर सावन की बदलियां हैं, और इनके पीछे छुपी छुपी सी ये शोक नजरों की बिजलियां हैं। किसी की पतली कमर लचकती, किसी का मुखड़ा गुलाब जैसे, कोई बताए ओ, कोई बताए कि ऐसी हालत में दिल पे काबू रहे तो कैसे। हेलो लिली, तुम कहां से आ गई? जैसे तुम आ रहे हो। इंस्पेक्टर राजेश, तुम फौरन हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करो। फौरन तो नहीं आ सकता, अभी अभी छुट्टी मिली है। छुट्टियां कैंसिल, तुम्हारी यहाँ सख्त जरूरत है। यहाँ मेरी जरूरत मेरे साथ है, क्या होगा? ये हाई कमांड का ऑर्डर है, चीफ साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सॉरी लिली, हॉलीडे खत्म, काम शुरू। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में। तुम साथ चलोगे? लिली, डोंट बी सिली, ड्यूटी फर्स्ट, बाकी आफ्टरवर्ड्स। कम ऑन, कम ऑन। अब ये काम तुम्हारे सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ख्याल रखना कि हमारे पास सिर्फ इंजन है और काम मुश्किल। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वेरी गुड, नाउ आई विल गिव यू अ टॉय। टॉय? टेक इट। सर इससे अच्छा तो मेरे पास है। यू आर मिस्टेकिंग राजेश, इसको चलाने वाला खुद दुनिया से चला जाता है। इसमें गोली आगे से नहीं,
पीछे से निकलती है। Oh, it's a backfire. इसे अपने पास रखो, ये वक्त पर तुम्हारे काम आएगा। Wish you best of luck. Thank you, sir. बॉस, यही है वो सातवां स्पाई राजेश, जिसे हमारे प्लान को खत्म करने के लिए भेजा गया है। ये बेबी हरकुलिस। यस बॉस। किल हिम। नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हैं, वो जितना कम उम्र है उतना ही चालाक, मेरी मदद के बगैर वो नहीं मरेगा। हुस्न का जहर गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, गो अहेड। कम ऑन हरकुलिस। यस। क्या बात है लिली? मेरी गाड़ी खराब हो गई है डार्लिंग। तो क्या हुआ, तुम तो ठीक हो ना? मजाक छोड़ो, आओ मेरी गाड़ी में आ जाओ। तुम बीच रास्ते में उतार देते हो, याद है ड्यूटी फर्स्ट बाकी आफ्टरवर्ड्स? ड्यूटी तो खत्म हो चुकी है, अब तुम फर्स्ट बाकी आफ्टरवर्ड्स। हाँ बहुत खूबसूरत जगह है। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आती हूँ। तुम्हें तो मालूम है कि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है। जानती हूँ, छोटी सी जिंदगी में ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगी। देर तो नहीं लगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या तैयारी है, पहले चिराग थी अब शोला नजर आ रही हो। वैसे इसकी भी क्या जरूरत थी। चलो मेरे साथ। कहाँ? जहाँ तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। बैठा दिया। सोडे के साथ या पानी के साथ? तुम्हारे साथ। Thank you.
सूरत से तो मासूम लगती हो, लेकिन थी बदमाशों के पास। उन लोगों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरी डैडी का था, स्मगलिंग के सिलसिले में। एक दिन अचानक वो गायब हो गए और इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती उठा लिया। ये बात है। तरह तरह के जुल्म ढाकर वो मुझसे डैडी के बारे में पूछते थे, मगर मैं कैसे बताती जब कुछ जानती ही नहीं थी कि वो कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या। रोती क्यों? शुक्र करो तुम उनके पंजे से निकल आई हो। 3 साल मेरे लिए 3000 साल के बराबर हो गए। 3 साल में तो तुमने उनके हेडक्वार्टर्स और रिंग लीडर्स के बारे में सब पता लगा लिया होगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, कभी कभी वो लोग ब्लू बेल क्लब का नाम लिया करते थे। पता नहीं वो क्लब कहाँ है। ब्लू बेल क्लब, ब्लू बेल। थैंक यू। ये लो, से पहन लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आता हूं। कुछ रेडीमेड क्लोथ चाहिए। साइज और मेजरमेंट बताइए। साइज? किसका साइज? लड़की का। ओ, 5 फुट 2 इंच होगी। और ओ, नो, 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 लड़की के जिस्म का मेजरमेंट बताइए। जिस्म का मेजरमेंट? जी हाँ। वो मैं, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। आप, आपकी तारीफ। आप ही की तरह एक कस्टमर, मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। थैंक यू। देखिए मेरा मेजरमेंट और साइज ठीक रहेगा ना? कुछ कमी हो तो बता दीजिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ही की साइज और मेजरमेंट्स की है। तो आप तशरीफ रखिए, मैं कपड़े खरीद देती हूँ। शुक्रिया। वो
मेरे ख्याल में वो लड़की आपकी बीवी नहीं हो सकती। करेक्ट, आपकी ये बात काफी बारीक है। खैर छोड़िए इस बात को, अगर वो लड़की आपके साथ आ जाती तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। मगर आती कैसे, कपड़े तो कुछ पहनी हुई नहीं थी, सिर्फ चादर में लिपटी हुई थी। What? एक लड़की चादर में, अजीब मामला है। हाँ मामला तो अजीब है, अब आप ही सोचिए ना। आइए यहीं रुकिए जी, इसी होटल में मैं रहती हूँ। अच्छा, इस होटल में आप भी रहती हैं? चलो अच्छा है। आइए, क्या इत्तेफाक है कि हम दोनों एक ही होटल में रहते हैं। मेरा रूम है 107 और मैं रूम 113 में। अजीब बात है, इतने करीब रहते हुए भी इतनी दूरी। ये भी एक इत्तेफाक है। चलिए लेट्स हैव सम ड्रिंक। आप तो जानती हैं मैं जरा जल्दी में, फिर कभी। ओके बाय बाय। बाय। हेलो, आप कैसी हैं? तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? ओह, तुम्हारी तरफ अनजान। तो क्या मैं अभी तक तुम्हारे लिए अनजान हूँ? मेरा मतलब है कि एकाएक वो मुझे दुकान में मिल गई, वरना ये कपड़े नहीं आते। क्यों? इसलिए कि सेल्स गर्ल मुझसे ना पूछ बैठी, बिचारी ने अपने हिसाब से ये कपड़े ले दिए। ये लो। लो, छोटा या बड़ा तुम ही समझ लो। अच्छा अच्छा, तुम दूसरे कमरे में जाओ ताकि मैं कपड़े पहन लूं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि हमें ब्लू बेल क्लब जाना है। ब्लू बेल क्लब? हाँ, ब्लू बेल क्लब।
चांस? अगर तुम राजेश की जिंदगी चाहती हो तो जेंट्स बाथरूम में चली आओ। तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी जान खतरे में है फिर तुम बाथरूम में क्यों गई? तुम्हारी जान बचाने के लिए। जो आग मुझे जला देना चाहती है उसके शोले अब तुम तक भी पहुंचने लगे हैं। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़े ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राजेश तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। आगे मुकद्दर में जो भी होगा मैं खुद ही अकेले झेल लूंगी। नहीं रीता, ऐसा नहीं हो सकता। इन हाथों को देखो, तुम इन्हें पकड़ लो फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो? इन आंखों में गौर से देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। राजेश। रीता, माय रीता। ओहो। योर टी सर। की बढ़िया। पहले तुम जाके मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बात कुछ और थी, अब चाय बन गई है। कहाँ जा रही हो? मुंह हाथ धोने। 5 मिनट बाकी। राजेश के पलंग के नीचे टाइम बम रख दिया गया, ठीक 12 बजे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रीता जल्दी आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे मुंह पे साबुन लगा हुआ है। ये तो और भी अच्छा है, आंखें बंद करके चली आओ। ठहरो, अभी 2 मिनट में आती हूँ। ओहो, 2 मिनट भी बहुत भारी हो रहे हैं डार्लिंग। छोड़ देना राजेश। ओहो, माय गॉड, अच्छा हुआ ना हम लोग पलंग पर नहीं थे। देख रहे हो दुश्मन यहाँ तक पहुंच गए। दुश्मन कौन है और ये किसका काम है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। रोजी।
मैच फ्लेमिंगो क्लब आ रहा है, तुम वहां जाओ और उसे खत्म कर दो। हेलो मिस रोजी, बस के यहाँ से मुश्किल है।
नहीं कर सकते। प्लान तैयार हो रहा है,
अब हम इसको खुद खत्म करेंगे। हमारा हेलीकॉप्टर तैयार। कम राजेश अभी तक नहीं आया। मैडम कोका कोला। वेटर। ये क्या है? ये फूल है मैडम। मैंने क्या मंगाया था? कोका कोला, और मैं लाया भी था। तो फिर ये कोका कोला फूल कैसे बन गया? कोका कोला फूल कैसे बन? ये सोचने वाली बात है मैडम। शट अप, जाओ दूसरा लेकर के आओ। यस मैडम। मैडम दूसरा कोका कोला। वेटर। यस मैडम। ये क्या बदतमीजी है? कौन सी बदतमीजी मैडम? ये क्या है? ये गिलास है कोका कोला का। इसका कोका कोला कहाँ है? आप पी के मुझे डांट रही हैं मैडम। नॉनसेंस, मैं अभी जाकर मैनेजर से कंप्लेन करती हूँ। आउच! ये क्या किया तुमने? क्या? मैं पूछती हूँ क्या किया तुमने? क्या? स्टूपिड। तुमने तो मेरी टांग भी बिल्कुल बेकार कर दी। बहुत अच्छा किया। और वो जो तुमने सब कुछ किया वो क्या? मैंने क्या किया? मुझे बेवकूफ बनाया, बेचारे बेरा को मार खिलवाई। कभी कभी दो की छेड़छाड़ में तीसरे की खराबी हो जाती है। मैं बताऊं कैसे होती है? कैसे? आहा, तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे तो दिल आ गया है। बुरा तुम ना मानो तो एक बात कह दो, तुम्हारी अदाओं पे दिल आ गया है। बुरा तुम न मानो तो एक बात कह दूं, बहारों का मौसम ये काली खटाए, ये कहती है तुमको गले से लगा लूं, तुम्हें आज मैं दिल की धड़कन सुना कर मोहब्बत का अपनी दीवाना बना लूं, दीवाना बना लूं। ये गालों पे कलियों का मासूम बचपन, ये चंदन सा मुखड़ा मुझे भा गया है। बुरा तुम ना मानो तो एक बात कह दूं, झूठे तराने
से नफरत अगर तुम करोगी कहाँ लेके जाओगी फिर ये जवानी भला आईना भी कहाँ तक सुनेगा तुम्हारी जुबान से तुम्हारी कहानी करो शुक्र तुम मेरे दीवाने पन का मोहब्बत का जिस पर नशा छा गया है बुरा तुम ना मानो तो एक बात कह दूं बात कह दूं तुम्हारी अदाओं पे दिल आ गया है बुरा तुम न मानो तो एक बात कह दूं लगता है जैसे कि हम लोग बादलों के ऊपर किसी और जहां में घूम रहे हैं तुम बिल्कुल सच कह रही हो रीता बिल्कुल सच रीता तुम बिल्कुल सच कह रही हो आंखें खोलकर तो देखो ये रस्सी पकड़ो ये क्या करो राजेश हम लोग नीचे गिर जाएंगे राजेश मत करो राजेश राजेश तुम पागल हो गए हो अगर हम लोग नीचे गिर गए तो बिल्कुल नहीं बचेंगे रीता काम करते वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो लेकिन अगर हम लोग नीचे गिर गए तो राजेश रहने दो राजेश वो हमसे भी बच के भाग गया वो इंसान है या शैतान मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था बॉस यू शट अप खैर कोई बात नहीं हम उसे देख लेंगे पिंटो कॉन्टैक्ट बैरूत और इस आदमी को वहां से बुलाओ ये कौन है बॉस ये है तुम्हारा ग्रैंडफादर इसका नाम है मार्शल इसकी एक गोली राजेश को हमेशा के लिए खामोश कर देगी वेलकम मिस्टर मार्शल
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इसे देखो और खूब पहचान लो। काफी खूबसूरत शक्ल है, कौन है ये? इसका नाम मार्शल। दुश्मनों ने तुम्हें खत्म करने के लिए इसे बैरूत से बुलाया है। मिस्टर मार्शल और बॉस। वेलकम मार्शल, क्या फौज में भर्ती हो गए हो? असली चेहरा छुपाने के वास्ते कभी मिलिट्री का कपड़ा, कभी जर्मन का कपड़ा, कभी जापान का कपड़ा, बस बदलना पड़ता है। तुम हमको काय के वास्ते बुलाया? हमने एक छोटे से काम के लिए तुमको बुलाया। तुमको मालूम है हम छोटा काम नहीं करता है दादा। मार्शल, मेरा मतलब है एक आदमी को खत्म करना है। बहुत बड़ा जादूगर है वो। हमारे सारे आदमी, हमारी एरियल स्क्वाड, यहाँ तक कि हमारी बेटी भी फेल हो चुकी है। मिस्टर रॉकी, हम तुम्हारा बेटी नहीं है कि फेल हो जाएगा। हम उसको जरूर खत्म करेगा, मगर एक बात है, उसको खत्म करने को कितना पैसा? जो तुम मांगो। एटलीस्ट 20,000 ब्रिटिश पाउंड। एग्रीड। एग्रीड? इतना जल्दी मिस्टर एग्री हो गया तुम? हाँ, देंगे या खाली हवा में है? नो मार्शल, इट्स अ फर्म प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन है वो जादूगर? पिंटू, इनको राजेश की तस्वीर दे दो। हैंडसम, ब्यूटीफुल, बॉय इज प्लेइंग विद हिज लाइफ। ठीक है, हम इसको ठिकाने लगा देगा। जरा पीछे मुड़ कर देखो, एक सफेद गाड़ी नजर आ रही है। हाँ, तो क्या? इसमें मेरी मौत आ रही है। What? मौत? जी हाँ। अच्छा, आधे शराबी साथ ले आए।
Hello, Mr. Marshall. Can I give you a lift? Thank you, thank you. Oh, tumhara naam kaise jaana? Hum dono ki manzil ek hai. Raaste alag alag hain. Oh, abhi tum jata kidhar? Jahan chiraag jalte hain. Raatein chawa hoti hain. Oh, you mean to say India by night? Good, very good. मरहबा
दोस्त आ गया था। दोस्त? जी हाँ, आजकल कुछ मेरे दोस्त बढ़ते ही जा रहे हैं। मगर इस वक्त इतनी रात गए? यही तो वक्त है मुलाकात का। रात ही में तो प्रेम की बातें होती हैं। मगर तुम कैसे जा गई? आवाजों से। मगर मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। समझने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर सो जाओ। जाओ 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 सो जाओ। क्यों मार्शल, तुमने राजेश को शूट कर दिया? नहीं। What? तुम राजेश को शूट नहीं कर सका? You are the biggest damn fool. तुम से तक वो। आज तक हमको किसी ने फोन नहीं बोला। हम उसको खत्म कर देते। अगर क्या करेगा, किसी ने उसको इन्फॉर्म कर दिया वो होशियार हो गया। किसने उसको इन्फॉर्म कर दिया? हमको क्या मालूम है, तुम्हारी गैंग के अंदर कोई है। हुस्न की अदालत में दिल का केस करना है। क्या? नाम उसका कैसे लूं,
पे मुझको मरना है, मरना है, मरना है। ओए ओए, आपका जो केस है वो अभी तो पढ़ना है। अच्छा जी, लाइए वकील वो जिसने केस लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। हुस्न की अदालत में लुटा के आया हूँ। समझी समझी। अर्ज है हुजूर से, दिल लुटा के आया हूँ, लेकिन अपनी आँखों में चोर को भी लाया हूँ। चोर हम भी देखेंगे, आँख चार कीजिए, हो सके तो फिर कभी यूं न प्यार कीजिए, यूं न प्यार कीजिए। दिल की तस्वीर में अच्छा? रंग जिसका भरना है, नाम उसका कैसे लूं, जिस पे मुझको मरना है, मरना है, मरना है। ओए ओए ओए, आपका जो केस है। सुनिए जज साहब, जुल्म क्यों ये ढाते हो, केस को अधूरा क्यों छोड़ छोड़ जाते हो, और छोड़ छोड़ जाते हो, आप ही पे मरते हैं। अच्छा? क्या किसी से डरना है? नहीं। नाम उसका कैसे लूं, जिस पे मुझको मरना है, मरना है, मरना है। आपका जो केस है। कौन सा कानून है जो रोकता है प्यार से, किस तरह जुदा रहे यार अपने यार से, ओ यार अपने यार से। खाली दिल का शीशा है आज इसको भरना है। ओ समझे, लाइए वकील वो जिसने केस लड़ना है, की अदालत में दिल का केस करना है। ला 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 ला। राजेश। हाजिर हो। कहाँ चले गए थे? तुम कहीं जाने दो तो जाऊं, मैं तो सिर्फ कपड़े बदल रहा था स्वीटहार्ट। क्यों, नहाने का इरादा है क्या? नहाने का और नहलाने का। अरे मैं तो साड़ी पहने हुए हूँ। साड़ी छोड़ दो राजेश, प्लीज छोड़ दो राजेश। शरीर कहीं के बिगड़ गया ना, अब जाने भी दो। ये वक्त है जाने का।
कहाँ भाग रही हो, थक गई क्या? हाँ बहुत थक गई, आखिर और रुकना। सचमुच रीता, तुम्हारे साथ नहाने में बहुत मजा है। मगर मेरा तो दम घुटा जा रहा है, छोड़ो जाने भी दो। सर से पांव तक जी भर के देख लेना तो मुझे। देख तो चुके हो, जाओ उधर जाओ, मुझे कपड़े बदलने हैं। ये लो। रीता, ये तुम्हारे कपड़े तो ले लो। दे दो ना। रीता जल्दी करो वरना मैं वहां आ जाऊंगा। रीता, रीता, मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया? गद्दार को बुलाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। मैंने कोई गद्दारी नहीं की, धोखा तो मैंने राजेश को दिया है। मैंने उसे झूठ कहा है कि मेरे डैडी खो गए हैं। राजेश को ब्लू बेल क्लब में ही लेकर गई थी, उसके बेडरूम में टाइम बम मैंने ही रखा था। अगर इस तरह भी वो बच गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब मार्शल राजेश को मारने जा रहा था तो उसको किसने खबरदार किया? मैंने नहीं किया। तुम झूठ बोल रही हो। रीटा अपने डैडी से कभी झूठ नहीं बोलती। तो फिर हमारी बेटी हमारे दुश्मन जासूस से भी मोहब्बत नहीं कर सकती जो तुम कर रही हो, क्यों? मैं मजबूर हूँ डैडी, मैं राजेश से मोहब्बत करती हूँ, मैं उसे नहीं मार सकती। तो फिर अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकती हो? माँ? मेरी माँ कहाँ है वो? हमारे पास, उसको देखने के बाद तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो, यहाँ है तुम्हारी माँ। मेरी बेटी, मेरी बेटी। चलो। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। अब बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं अपनी माँ के खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी, राजेश को मार दूंगी। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। देखो, राजेश को शराब में जहर दे दो, हमारे आदमी खबर मिलते ही उसकी लाश को यहाँ ले आएंगे और तुम भी साथ ही चली आना। आप रोजी? नो, शी इज मिस मेरेंडा। तुम्हारी हिफाजत के लिए हमने इन्हें डिप्यूट किया था, तुम्हें फोन करने वाली यही थी। स्ट्रेंज, सॉरी मैडम, मैंने तो आपको कुछ और ही समझा था। ठीक है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत तुम्हें पड़ेगी, आओ इसके सीक्रेट्स हम तुम्हें बताएं। चलो। कोट लाओ। वेयर इज द बटन? नाउ वॉच। सॉरी मिस मिरांडा, मैंने आपको गलत समझा। और जो गलत है उसे सच समझ रहे हो? तुम्हारा मतलब रीता? हाँ, वो दुश्मन की भेजी हुई एक स्पाय। स्पाय? इम्पॉसिबल, वो बेचारी तो खुद दुश्मन की सताई हुई है, मेरी वजह से आज तक जिंदा है, वरना कब की मार दी जाती। ये सब ड्रामा है मिस्टर राजेश, मैंने उसके सैंडल के हील में टेप रिकॉर्डर रख दिया है, अगर यकीन ना हो तो निकाल कर सुन लो, सब कुछ पता चल जाएगा। सैंडल के हील में टेप रिकॉर्डर? सलीम कमीने, फिर आ गया तू? मैं तो रोज आता ही रहूंगा रत्ना, सिर्फ ये देखने कि तुम्हारा मिजाज कब ठीक होता है और इरादा कब बदलता है। पहाड़ अपनी जगह बदल सकता है लेकिन मैं नहीं।
मैं हजार बार कह चुकी हूँ कि हिंदुस्तानी हो, हिंदू स्त्री के माथे पर सिर्फ एक बार सिंदूर लगता है, उसके पति के हाथ। तुम इस बात को भूल जाओ, तुम्हारे पति को मरे हुए बरसों हो गए। लेकिन वो बंधन नहीं टूटे जो जन्म जन्म से उनकी आत्मा से बंधे हुए हैं। और तू खूनी लुटेरा, इन बातों को क्या जाने। ये फजूल की जिद छोड़ो रखनी, हमारा प्लान कामयाब हो रहा है, तुम्हारा देश बहुत जल्द हमारा हो जाएगा, बड़ी बड़ी ताकतें हमसे कांपने लगेंगी। अगर तुम मेरी हो जाओ तो फिर मेरी मलिका कहलाओगी। मैं तुझ पर और तेरी हुकूमत दोनों पर थूकती हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी से इस कदर बेजार हो तो इस कागज पर दस्तखत कर दो ताकि मुझे तुम्हारे 10 करोड़ रुपए मिल जाए और मेरा प्लान कामयाब। वाकई ख्वाब तेरा कभी पूरा नहीं होगा। मेरी दौलत, मेरा मुल्क तबाह हो, उसका अंजाम जानती हो तुम अच्छी तरह। हर जिंदगी का अंजाम मौत है, लेकिन रॉकी वो मौत जो देश और धर्म के खातिर हो, मेरी दी हुई जिंदगी से कहीं ज्यादा सुंदर होगी। इस माथे से सिंदूर मिट जाने के बाद कलंक नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। देखता कब तक नहीं लगेगा। मेरी बच्ची कहाँ है? तुम्हारी नहीं, वो मेरी है, मैंने उसे पाला है और आज वो मेरी मर्जी के मुताबिक काम कर रही है। मतलब है तुम उसकी भी जिंदगी तबाह कर रहा है? नहीं, मैं उसे जिंदा रहने का तरीका सिखा रहा हूँ। तुम्हारे देश के उस जलील आदमी जो मेरे प्लान को फेल करने निकला, मैंने तुम्हारी बच्ची को उसे खत्म करने के लिए भेजा। दस्तखत हो गया बस? नहीं पिंटू, रत्ना बेहद जिद्दी और वतन परस्त औरत है, किसी तरह राजी नहीं हो रही। तो प्लान अधूरा रह जाएगा? नहीं, हम उसके दिमाग को कंट्रोल करेंगे। 12 घंटे के लिए वो हमारे हुक्म में होगी और वही करेगी जो हम कहेंगे। और 12 घंटे के बाद फिर वो अपनी असली हालत पर आ जाएगी और उसे मालूम भी नहीं होगा उसने क्या किया है और कैसे किया। तुम जाकर अभी ले आओ उसे। माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख सकती हूँ? मेरी माँ कहाँ है? हमारे पास, उसको देखने के बाद तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। चलो, यहाँ है तुम्हारी माँ। चलो अब बोलो, तुम्हारा क्या फैसला है? मैं अपनी माँ की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगी, राजेश को मार दूंगी। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। देखो, राजेश को शराब में जहर दे दो, हमारे आदमी खबर मिलते ही उसकी लाश को यहाँ ले आएंगे और तुम भी साथ ही चली आना। राजेश जहर पिएगा
और उसकी लाश भी जाएगी। आपने मुझे बुलाया? हाँ, एक जरूरी काम है, हो सकता है इस काम में आपकी जान भी चली जाए। लेकिन हमारा मुल्क तो बच जाएगा ना? कोशिश तो इसी बात की है। तो फिर मैं हर तरह से तैयार हूँ। गुड, वो रखा है मेरे चेहरे का मास्क और बिल्कुल मेरे ही तरह के कपड़े, शायद वो आ गई हो। इन दोनों को पहनकर जल्दी से छुप जाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। हरी, अरे ये क्या कर रही हो रीता, ये क्या कर रही हो? आज कितने दिनों के बाद तो ये दिन आया है। आज तुम्हें क्या हो गया है रीता? आज जवानी अपने सारे बंधन तोड़कर चली आई है। आज मेरी नस नस में बिजली दौड़ रही है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग खराब नहीं हुआ, कुछ और खराब हो गया है, और वो भी तुमने किया है। तुमने? मैंने? सब कुछ किया है, सब कुछ। ओके स्वीटहार्ट, मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुम कहाँ गायब हो गई थी? डैडी ने बुलाया था। चलो अच्छा हुआ तुम्हारे डैडी जिंदा है और तुमसे मिल भी गए। इसी खुशी में तो पी रही हूँ और तुम्हें भी पिलाऊंगी। और अगर मैं न पीऊँ तो? नहीं पियोगे तो उठने नहीं दूंगी, पड़े रहो यहीं। ओके स्वीटहार्ट, पीऊंगा पीऊंगा पीऊंगा। ये बात भी ना, आज पीना कोई हराम नहीं।
डैडी डैडी बोलो मेरी बेटी। डैडी मैंने आपके हुक्म के मुताबिक राजेश का काम कर दिया है, वो मेरे रूम में पड़ा हुआ है। वेरी गुड, मगर तुमने तो शराब नहीं पीना। ओ नो डैडी, मैंने बिल्कुल नहीं पी, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। दैट्स जस्ट लाइक माय डॉटर। चश्मा अब तुम राजेश की लाश लेकर वापस आ जाओ। ठीक है, मैं उन्हीं के साथ आ जाऊंगी। ओवर। राजेश राजेश ओ राजेश राजेश, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने मोहब्बत के नाम पर दाग लगा दिया, मगर मैं क्या कर सकती थी, मैं मजबूर थी, मेरे हाथों में जंजीरें और पांव में भेड़ियां थी। मगर राजेश मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, सदा करती रहूंगी, सदा करती रहूंगी राजेश। वो है राजेश, तुम लोग उसे ले जा सकते हो। तुम लोग नीचे जाकर बॉक्स ले आओ। वी आर रेडी। चलो पर इंतजार कर रहा हूं, वहां हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। ओवर। शाबाश,
जिस मोहब्बत से पाल पोस के तुम्हें जवान किया, आज तुमने उसका हक अदा कर दिया। आज तुमने अपने डैडी का सर ऊंचा कर दिया। हम अपने दुश्मन का चेहरा देखना चाहते हैं। तुमने हमें धोखा दिया है रीता। नहीं डैडी नहीं, मैंने अपने हाथों से राजेश को जहर पिलाया था। तुम देखना चाहती हो? तूने दुश्मन से मिलकर हमारे लिए मौत का रास्ता खोल दिया। नहीं डैडी। मैं तेरा डैडी नहीं। ये वो हाथ हैं जिन्होंने तेरे डैडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और यही वो हाथ हैं जो तेरे जिस्म को छलनी कर दिए। ले जाओ इस जलील और डाल दो इसकी मां के पास। राकेश, तुम एकदम फंस गए। अभी राजेश इस बॉक्स को फॉलो करके इधर में आएंगे। इसके लिए तुम चारों साइड डेड लॉक लगा दो, कोई अंदर नहीं आने पाए। वरना याद रखो रॉकी, तुम कुत्ते का मौत मर जाएगा। यू आर राइट मार्शल, कम। मिस्टर राजेश, हमारा पिस्तौल का गोली बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार करता है। शेर को पिंजरे में बंद करके एक बच्चा भी उसे मार सकता है मार्शल। ओ मार्शल, तुम हमारा नाम भी जानता है? नाम भी जानता है और काम भी जानता है। पैसे के गुलाम, नमक हराम। नो मार्शल, हम इस गीदड़ को दोहरी मौत मारेंगे। माय डियर फ्रेंड, कल आखिरी दिन है और गैस भी तैयार हो चुकी है। हम तुम्हें अपने साथ लेकर इस गैस को तुम्हारे मुल्क पर स्प्रे करेंगे। तुम अपनी आंखों से अपनी जनता और अपने देश को खाक का ढेर बनते देखोगे। इसके बाद तुम्हारा प्रोग्राम किया जाएगा। सिर्फ एक दिन बाकी है। एक दिन बाकी है रॉकी, प्याला होंठों तक आते आते न जाने कब छलक जाए। यू डैम फूल। लाश के खूनी ने तुझे मुझसे अलग इसलिए रखा कि तुझे ना मालूम हो और तेरी जन्मभूमि कौन सी है और तेरे पिता कौन है। कौन है मेरे पिता? माँ तेरे पिता की बेटी, जिन्होंने अपने गांव के बचाते हुए अपनी जान दे दी। हम भारतवासी, आज से 10 साल पहले इस लुटेरे ने हमारे गांव पर डाका डाला था। एक तरफ तेरे पिता और गांव वाले थे, दूसरी तरफ वो भी उसके छोटे।
और हमारी जीत के लिए दुआ करो। गोली लगे भी तो सीने पर, पीठ पर नहीं। तुम बाहर गैस के सिलेंडर ट्रक्स पर लोड करो और एयरफील्ड पर मेरा इंतजार करो। Thank you.
कहां जा रहे हो माय डियर? हमारे इस जंतर मंतर में जो एक बार आ जाता है वो फिर जिंदा बाहर नहीं जा सकता। क्यों रत्ना, बता दिया बेटी को अपना हाल, दिखा दिया अपना खून का रंग? हाँ, मैंने इसकी आंख से पर्दा हटा दिया, इसे सब कुछ मालूम हो गया है। तू इंसान नहीं जानवर है, हमारे साथ कोई संबंध नहीं। हो जाएगा, बेटी की तड़पती हुई लाश देखकर सारे नियम टूट जाएंगे, सारा धर्म हवा हो जाएगा। माँ, माँ, आगे खोलो ना माँ, माँ। रॉकी, लीव हिम अलोन, राजेश को छोड़ दो, नहीं हम तुमको कोई मार देंगे। क्या? वेल मिस्टर राजेश, तुम चुपचाप में से आ जाओ, चलो। मार्शल, क्या हो गया है तुम्हें? मिस्टर रॉकी, ये झगड़े का नहीं, फैसले का वक्त है। हमको अलग पैसा मिलता, पहले दुश्मन को तो खत्म कर लेने दो। नहीं नहीं मिस्टर रॉकी, न कोई हमारा दोस्त है ना हमारा दुश्मन है कोई, हमारा दोस्त है सिर्फ पैसा। वो पैसा हमको नहीं मिलेगा, हम तुमको शूट कर देगा मिस्टर रॉकी। तुम्हारा पैसा पीछे है, पलट कर ले लो। थैंक यू। डबल क्रॉसिंग, धोखा देते? धोखा ही हमारा बिजनेस है, जो ज्यादा चालाक होता है वही नफा कमाता है। मार्शल, रॉकी की जिंदगी इतनी सस्ती नहीं जो तुम जैसे किराए के टट्टू की गोली से खरीदी जा सके। याद है रॉकी मैंने क्या कहा था? प्याला होंठों तक आते आते न जाने कब छलक जाए। Thank you.
ये नहीं सोचा, यह नहीं सोच सकता। कोर्ट जान भी दे सकता हूं। नहीं राजेश, नहीं। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रॉकी, तुमने फिर गलती की। वो देखो, रॉकी भाग रहा है।
बात कह दो तुम्हारी अदाओं पे दिल आ गया है। तुम न मानो तो एक बात कह दूं।